है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाग मगर कुरान न बदला जाएगा। पढ़ाने वाले तीन ही, एक एक उस्ताद, एक चार पढ़ाते हैं, एक तीन पढ़ाते हैं और एक हम इस पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाले अगर मिल गए तो इंशाल्लाह खूब काम होगा। हम सबको मालूम स्कूलों का आज निजाम कैसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अपने जमाने में कि एक जमाना वो आता सुबह का मुसलमान शाम होते होते ईमान से निकल जाता, शाम का मुसलमान सुबह होते होते ईमान से निकल जाता। तो जमाना देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि वो जमाना यही है। आजकल स्कूलों में जो सिलेबस बनाया गया है, जो तालीम दी जा रही है बच्चों को, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल खत्म होने को है, तो ऐसे में अगर हम अपने बच्चों को मकतब में भेजेंगे तो उससे उनके ईमान की हिफाजत होगी और हमारे नस्लों में दीनदारी बाकी रहेगी। इसी मस्जिद में जुमा के मौके पर एक मरतबा तुर्की के बारे में मैंने कहा था कि तुर्की जो है इस्लामी मुल्क, लेकिन एक समान ऐसा आया तारीख में लिखा हुआ है 30 साल तुर्की के ऊपर ऐसे उतरे हैं कि तुर्की के जितने भी मसाजिद थे पूरे गुंडों के लिए, घोड़ों के लिए इस्तेमाल हुए, अस्तबल बना दिया गया। और एक सलमान नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला, वो अंग्रेजी तालीम हासिल करके खड़ा होकर ऐलान कर रहा था कि अब हम ऐसी दुनिया में उलट चुके हैं, इस दुनिया में हमको खुदा की जरूरत ही नहीं। तो इससे हालात जो है तुर्की में बने, लेकिन वहां के जो बड़े अकाबिर थे उन्होंने मकातिब शुरू करके आज का माहौल ऐसा बनाया है। तुर्की का जो सदर है वो उन्हीं मकातिब में पढ़कर हाफिज़े कुरान बनकर आज मुल्क चला रहा है, तो ये मकरूह की वजह से होता है। तो मकातिब का जो है बहुत अहम रोल होता है। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी शख्सियत हाजी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह की यही फिक्र थी, कोई मालदार आता आकर हजरत से कहता कि हजरत कोई काम करना चाहता हूँ नेक काम, तो हजरत फौरन कहते कि भाई अपने पैसे से मकतब शुरू कर, मकतब शुरू करके चाहे 10 बच्चे ही क्यों ना हो 10 बच्चों को अपने पैसों से पढ़ाओ। तो मकतब जो है बहुत ही जरूरी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मकतब शुरू हो चुका है, तो हमारे जो है उफाज पढ़ा रहे हैं उनकी हिम्मत सारी हो जाए, इसलिए जो है उनके लिए भी मुख्तसर सा इनाम और उनके भी जो है शान पोशी हो जाए, उनको भी जो है काम करने में एक शौक पैदा होगा। वरना तो अगर हम उसका बदला देना चाहें, सारी दुनिया की दौलत अगर उनके कदमों में डाल दे तो भी हम उसका बदल नहीं दे सकते। एक छोटी सी जो है हिम्मत अफजाई के लिए काम है। तो सबसे पहले जो है मकाते के जो हमारे पास हैं हाफिज फखरुद्दीन और हाफिज हिदायतुल्ला, इन दोनों तीनों से गुजारिश करता हूँ कि वह आगे आए। ये हमारे जो है हाफिज अब्दुल मोईन हमारी ही मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद छोटे तो मकतब तो अभी शुरू शुरू है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मकतब जो है बहुत तरक्की करेगा
और जो इनाम दिया था है उसमें एक थोड़ी कपड़ा और इसी तरीके से एक रुमाल एक अख्तर, ये तीन चीजें जो है दी जा रही है। हाफिज हिदायतुल्लाह, ये हमारी मस्जिद में ईशा की नमाज के बाद बड़े लोगों के लिए मकतब पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ बांकापुर में एक मकतब सुबह की नमाज के बाद मगरिब के बाद दो मकातिब पढ़ाते हैं, तो कुल जो है चार मकातिब ये पढ़ाते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह तरक्की अता फरमाए बिल मामले में बरकत अता फरमाए। हाफिज फखरुद्दीन, ये मस्जिद कुबा में इमामत भी करते हैं और वही जो है दो मकातिब पढ़ाते हैं, एक मकतब कुबा का और एक उस्मान का, अल्लाह जज़ा खैर अता हो। अब इसके बाद हमारे इदारे के अंदर जो असातिज़ा हैं उनके लिए हबीबुर रहमान साहब, ये मदरसे में तेलुगु इंग्लिश पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ मतबख का पूरा निजाम इन्हीं के जिम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह मतबख का ऐसा निजाम चलाते हैं कि बच्चे हर हर बच्चे का ख्याल रखते हैं, अगर किसी वक्त पे कोई चीज पक गई बच्चों में एक बच्चा भी अगर ना खा सके तो उस सालन को उस खाने को बदल देते हैं एक बच्चे की वजह से, तो मतबख का निजाम जो है बहुत ही मजबूती से चलाते हैं और जमात के लिए भी और मदरसे के लिए भी दोनों के लिए मतबख का जो निजाम है सही होना चाहिए। खाना अगर सही रहा तो काम आराम से होगा, वरना तो फिर जो है काम नहीं हो सकता। मदरसे के असातिज़ा के लिए एक इनाम जायज है, यह कलम मौलाना अब्दुल मुबीन साहब, ये छोटी सी जो है पूरे साल की हमने जो मेहनत की है है ताकि असातिज़ा में और मकतब के पढ़ाने वालों में जज्बा आए और हिम्मत अफजाई हो जाए, इसलिए ये काम किया जा रहा है। वरना तो अभी शुरू में मैंने कहा कि पूरी दुनिया को अगर दे दें तब भी जो है कुरान का जो नुक्ता पढ़ाया जाता है उसका भी बदल नहीं हो सकता, तो ये जो है छोटी सी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारी इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए और जज्बात जो है हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। आज जो है एक बात जाहिर अर्ज कर दूं, परसों जो है मंगल के दिन मैं मौलाना अब्दुल कलाम साहब इम्तिहान लेने महाराष्ट्र गए थे, तो जाते आते जो है बहुत सारी बातें हुई, उसमें से खासकर दो बातों का जिक्र हुआ है हमारे शहर के इतिहास। एक, हमारे शहर में मुसलमानों के लिए मुसलमानों का कोई स्कूल नहीं है, दूसरी चीज शहर के अंदर मुसलमानों के लिए कोई मुस्लिम लेडी डॉक्टर नहीं है। ये दो चीजें हमारी जो है कमी है और ये बात भी नहीं कि भाई अल्लाह ने हमें मान नहीं दिया है, मान बहुत अल्लाह ने दे रखा है लेकिन हम लोग जो है उसकी तरफ नजर नहीं करते, तो इसके ऊपर जो है आप उपरांत संजीदगी से अगर सोचें कदम उठाएं तो आने वाला मुस्तकबिल हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, वरना फिर जो है हम दूसरों के
स्कूलों में भेजते रहेंगे तो हमारा ईमान, हमारे बच्चों का ईमान जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो ये जो है हमारी फिक्र है, आप अपील अगर इसमें साफ हो जाए तो इंशाल्लाह आपको काम हो सकता है, मदद देंगे इंशाल्लाह। दुआओं में भी याद रखें और नेक मशवरे भी देते रहें इंशाल्लाह। किसी की बात को हम ठोकेंगे नहीं, किसी की बात को हम ठुकराएंगे। तमाम को जो है इस बारे में हक है कि जो मशवरा नेक है दे, जो बात मुनासिब है आप हजरात जो है कह सकते हैं। अल्लाह सबको जज़ा खैर अता तो एक आदमी जब शहर के लिए कोशिश कर रहा है तो उसका तावन करने से हम भी जो है इससे दार बन जाते हैं। साथियों से तावन करें और इनके इरादे को आजाद करना पड़ता है कि आप जो है खाने के बाद एक छोटी सी बात पर और एक जो है आधा घंटा आप जो है बैठे रहे और जितने भी हमारे उलमा आए हुए थे तमाम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए।